हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पिछले साल एवरी सिंगल वीक इंडिया एक यूनिकॉर्न को जन्म दे रहा था। इनफैक्ट हमारा स्टार्टअप बिल्डिंग पेस इतना ज्यादा था कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी हमसे पीछे रह गए थे। पर आज के तारीख में ये सब कुछ बदल चुका है। इंडिया के 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से बस 18 ही एक्चुअल में प्रॉफिटेबल सामने आ रहे और बाकी सारी कंपनियां हैवी लॉसेस फेस कर रही है। लॉस के चलते ओला ने 2100 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है, अनअकैडमी ने 1150 और व्हाइट हैट जूनियर ने 1450 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगले 5 सालों में 90% इंडियन स्टार्टअप्स पूरी तरीके से बंद हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पूरा 180 डिग्री यू टर्न ले लिया। Well, let's analyze and let's find out. अब जैसे कि मैंने कहा था कि आज के तारीख में इंडिया के टोटल 100 स्टार्टअप्स में से 57 तो ऐसे हैं जो डीप लॉसेस फेस कर रहे हैं और टोटल इन टोटल सिर्फ 18 ऐसे हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है। अब एग्जांपल में 2011 में शुरू हुआ एडटेक कंपनी वेदांतु को ही देख लो। इसे पहले 3 साल में $0.4 million की फंडिंग मिली थी और फिर 2009 तक $152.6 million की, और 2020 के बाद दो ही साल में पिछले 8 साल से डबल $233 मिलियन का फंड रिसीव हुआ। अब इतने बड़े फंडिंग्स के बाद ये यूनिकॉर्न तो बन गया, लेकिन इन फंडिंग्स का क्या? ये कंपनी आज की तारीख में $762 मिलियन का तो सिर्फ लॉस ही फेस कर रही है। 2015 में शुरू हुआ कॉमर्स जायंट मीशो को भी अपना पहला $0.18 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन होने के अगले ही साल मिल गया था, और फिर 2019 तक अगले $215.2 का मैसिव इन्वेस्टमेंट, और फिर 2020 में एक सिंगल ईयर में $870 मिलियन का मैसिव फंडिंग। और इन सभी फंडिंग्स के बाद ये भी एक यूनिकॉर्न बन गया, लेकिन इसकी हालत भी वेदांतु जैसी है। आज ये भी $628 मिलियन का मैसिव लॉस फेस कर रहा है। इनफैक्ट अनअकैडमी, इसे कौन नहीं जानता, 2020 का ये यूनिकॉर्न आज भी $1.9 बिलियन के लॉस में है। सो इन केसेस से हमें एक ही बात सीखने मिल रही है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम शायद खतरे में हो सकता है। लेकिन क्या सच में, और अगर हाँ तो क्यों? इंडिया में आए इस अपवेलिंग ट्रेंड में आखिर प्रॉब्लम क्या है? Well, अगर देखा जाए ना, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 2021 का साल किसी पार्टी से कम नहीं था, क्योंकि उस बस एक साल में पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को $38.5 बिलियन के फंड्स मिले। मोस्ट ऑफ द फंड्स यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट से मिले हैं, और ये सिंगल ईयर इन्वेस्टमेंट 2020 से 3.8 टाइम्स ज्यादा था, और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से 1.3 से 2 टाइम्स ज्यादा था। सो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई कहां से? Well, इसके 3 मेजर रीजंस थे। सबसे पहला, इंडिया का मैच्योरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्लरिशिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। लास्टली थर्ड, चाइना में चाइनीज रेगुलेटर्स ने टेक इकोनॉमी को लेकर इंप्लीमेंट किए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। इन तीनों मेजर रीजंस की वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की ओर डाइवर्ट हुए और स्टार्टअप्स को एक्सेसिव फंडिंग मिलने लगी। अब क्योंकि स्टार्टअप्स को इतने फंड्स मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने बेसिक ऑपरेशंस पर भी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। इस एक्सेसिव खर्चे को फाइनेंस की भाषा में कैश बर्न कहते हैं, और देखा जाए तो इसी कैश बर्न का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भारत पे कंपनी है। भारत पे को IIM और IIT एलुमनस अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने मार्च 2018 में फाउंड किया था। अब इसके स्टार्टिंग कैपिटल का तो डेटा नहीं है, लेकिन कंपनी को बहुत ही जल्द अपना फर्स्ट $14.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया। एंड माइंड यू, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू होने के 10 महीने के अंदर ही मिल गया था, और उसी के 4 महीनों के अंदर अगला $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही देखते कंपनी को कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिलती गई, और फिर फाइनली अगस्त 2021 में पूरे $370 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद भारत पे की वैल्यूएशन $2.85 बिलियन हो गई। भारत पे इंडिया का 19th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। बट वेट, यहां पर एक छोटा सा कैच है। कंपनी ने अपने 2021 के फंडिंग राउंड में इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल ईयर 2020 का रेवेन्यू $700 मिलियन दिखाया था, जबकि कंपनी ने एक्चुअल ऑडिट फिगर्स तब पब्लिश ही नहीं किए थे। और इस पर जब एन ट्रैकर न्यूज एजेंसी ने रिसर्च किया, तो उनके सामने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ये फिगर सामने आए। अब आप मानोगे नहीं, बट इनके बताए हुए और ओरिजिनल फिगर्स में 99% तक का डिफरेंस आया। ओरिजिनली भारत पे ने 2020 में बस 6 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करने के लिए 229.12 करोड़ स्पेंड किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2019 में तो 23 करोड़ रुपीज स्पेंड करके जीरो रेवेन्यू हासिल किया था, which is nothing but a big loss
अब सवाल यह है कि ये कंपनीज इतने इन्वेस्टमेंट का आखिर करती क्या है। ऑब्वियसली उन पैसों को बिजनेस के ग्रोथ में लगाती है। भारत पे ने भी कुछ ऐसा ही किया, बस सिर्फ जितने अमाउंट लगाने की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर दिया। एग्जांपल के लिए कंपनी ने बस अपने एम्प्लॉइज के सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन के लिए उन्हें हाई एंड BMW बाइक्स, गैजेट्स और ओवरसीज ट्रिप्स गिफ्ट किए। और ये एक्सपेंडिचर ट्रायल्स यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर को अगर देखा जाए ना तो INR 142 करोड़ यानी ओवरऑल एक्सपेंडिचर के 62% भारत पे ने तो सिर्फ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम पे खर्च कर दिया है, या एटलीस्ट ऐसा बताया है। अब इसके पीछे की ओरिजिनल सच्चाई क्या है, इस पे एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हो। बट नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। भारत पे इंडिया का इकलौता यूनिकॉर्न ऐसा नहीं है जो कैश बर्न और अकाउंटिंग रिलेटेड ट्वीक्स कर रहा था। रिसेंटली ऐसे करते हुए एक और इंफ्राटेक यूनिकॉर्न इंफ्रा मार्केट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड हैंडेड पकड़ा। इंफ्रा मार्केट के ऑफिस में 1 करोड़ कैश, 22 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, INR 224 करोड़ के अनडिस्क्लोज इनकम और INR 1500 करोड़ के टैक्स इवेजन के प्रूफ मिले। अब ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े स्कैम्स और 2020 के बाद इंडियन इकोनॉमी के डिप की वजह से VCs ने यूनिकॉर्न्स को फंड करना बंद कर दिया, जिसका फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली एक ही था, स्टार्टअप इकोसिस्टम का सफोकेशन शुरू हो जाना। इसमें से 38% स्टार्टअप्स तो आउट ऑफ फंड हो चुके हैं, मतलब कि वो कभी भी बंद हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसे डेस्परेट टाइम्स में अपनी फंडिंग गैप को फुलफिल करने के लिए कई यूनिकॉर्न्स खुद को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कुछ कंपनीज ने किया भी। फॉर एग्जाम्पल फिनटेक जायंट पेटीएम, लेकिन अफसोस इतना बड़ा नाम होने के बाद भी स्टॉक मार्केट पर पेटीएम परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके शेयर्स ऑफर प्राइस से 27.4% लो यानी कि 1560 के लॉस पर क्लोज हुए। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी कैपिटल के रिसर्च ने तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल फोकस और डायरेक्शन लैक करता है। ये कंपनी बस एक कैश गजलर है यानी कि सिर्फ पैसे खाने वाली कंपनी है, ऐसा तक कह दिया। क्योंकि पेटीएम को आज तक मिले $190 बिलियन के इक्विटी कैपिटल में से 70% रुपीज को तो अपने लॉसेस को ही फंड करने में गए। और सिर्फ पेटीएम ही नहीं बल्कि नायका, जोमैटो और पीबी फिनटेक जैसे स्टार्टअप्स के भी आईपीओस गिरे हैं। और इनके इस फॉल से इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में 1.3 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। इतने बड़े लॉसेस और इंडियन मार्केट कंडीशंस की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठना तो लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। 2020 का सेकेंड क्वार्टर आते आते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से INR 1.5 लाख करोड़ निकाल लिए, मतलब कि न्यूबी स्टार्टअप्स के लिए अब और भी ज्यादा फंडिंग की कमी। वेल, इन स्टार्टअप्स के डाउनटर्न में COVID-19 का भी कुछ उतना ही बुरा इंपैक्ट हुआ है। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट क्लोथिंग ई टेलर साइट जबोंग भी इस पैंडेमिक के चलते 2020 में लिक्विडेट हो गया। और इसके बंद होने की एक वजह इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की प्लेगरिज्म हैबिट भी हो सकती है, क्योंकि सेम बिजनेस में मैसिव कॉम्पिटिशन की वजह से बिजनेस कॉम्पिटिशन हैंडल नहीं कर पाया तो वो फेल भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ प्लेगरिज्म ही बिजनेस क्लोजर का मेन रीजन नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम और यूनिक आइडियाज भी कभी कभार फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार स्काई रोबोटिक्स, इस स्टार्टअप ने फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रक सक्सेसफुली टेस्ट किए, पर अफसोस ये स्टार्टअप अपना इतना यूनिक आइडिया होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट ग्रैब नहीं कर सका और 2020 में शट डाउन हो गया। सो काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स भी बहुत बारी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के प्लेजरिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उसी मॉडल पे पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेटेड है किसी और कंट्री में, और वो मॉडल पे वो पैसे लगाएंगे, दे आर वेरी श्योर कि वो कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि मे बी उस प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हो सकता है, या फिर उस प्रोडक्ट की एक्चुअली में वैल्यू है। सो इट्स काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल, राइट? एंटरप्रेन्योर्स से हम कुछ यूनिक आइडियाज एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिक कंपनी मॉडल्स, यूनिक बिजनेस मॉडल्स एक्सपेक्ट करते हैं, बट देन इन्वेस्टर्स आर लेस विलिंग टू एक्चुअली फंड दैट एंड ट्राई समथिंग आउट ऑफ द स्टेटस क्वो। अब फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ कोविड इंपैक्ट की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ पैंडेमिक की वजह से 4% स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, 38% आउट ऑफ फंड हो गए, और बचे हुए 30% स्टार्टअप्स के पास सिर्फ 1 से 3 महीने के ही कैश बचे हैं। सो इन बिजनेसेस के फेलियर के बारे में तो हमने देखा ही, लेकिन अब जरा ये भी देखते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस के पीछे मेजर रीजंस क्या होते हैं। वेल, गवर्नमेंटल पॉलिसीज भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर हम बात करें
बीजेपी की है, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, उन सभी के थोड़े से डिफरेंट इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स होते हैं। यानी कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज एक सर्टन इनकम रेंज वाले लोगों को बेनिफिट करेगी, तो कुछ पार्टीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी दूसरे क्लास को ज्यादा सपोर्ट करेगी। ऑब्वियसली किसी बिजनेस के फेल होने के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वीक बिजनेस मॉडल, वीक लीडरशिप, वीक टीम, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, सीईओ या फाउंडर का लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इम्प्रॉपर मार्केट टाइमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहां पर वो सारे रीजंस तो हमें पता है, हम फोकस करते हैं कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज का क्या रोल होता है। सो चलो इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शुरू करते हैं आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से। सो उनके कुछ पॉलिसीज है, लाइक नंबर वन, कॉर्पोरेट से ज्यादा सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस को देना। नंबर टू, ग्राम सभा को नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप देकर उन्हें उन रिसोर्सेज की लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना देना। नंबर थ्री, सर्विस सेक्टर में FDI बंद करना। नंबर फोर, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करना, जिससे कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और पोटेंशियली गुड्स सस्ते मिल सकते हैं। सो इन सारे पॉलिसीज को देखकर इससे काइंड ऑफ इनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्लियरली समझ में आ रही है, जो कि थोड़ा सा सोशलिस्ट लीनिंग है। वेल, इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली काफी समय से सोशलिस्ट लीनिंग रही है। फॉर एग्जाम्पल, 1991 से ही हमने एक्चुअली में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल्स को अपनाया, उससे पहले हम सोशलिस्ट थे। अब अगर हम सोशलिस्ट मॉडल को देखें तो फॉर एग्जाम्पल रशिया एक सोशलिस्ट नेशन है, एंड इवन चाइना इकोनॉमिकली पहले था, बट देन इकोनॉमिकली वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा लीन हो गया। अब ऑब्वियसली थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मोस्टली कांग्रेस ने इंडिया पर रूल किया है, तो आइडियोलॉजी उनकी भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट लीनिंग ही रही है। और अब अगर हम बात करें करंट यूनियन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, तो बीजेपी यूजुअली कैपिटलिस्टिक लीनिंग ज्यादा रहा है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज फास्ट ग्रोथ इन इकोनॉमी आर दीज लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। दे इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक डीमोनेटाइजेशन, GST, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। इस लॉ के आने से बैंक्रप्ट कंपनीज की क्लोजिंग प्रोसीजर्स 9 months की हो गई, जो पहले कई ईयर्स तक खींचते थे। एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट, ये दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जिसमें गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% कर दिया, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोनेंशियली राइज होने लगे। सो अगर हम करंट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, तो आज कुछ रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्लियरली ये दिख रहा है कि हमारा GDP ग्रो हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, मैनेजेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स और FDI, इन सारे चीजों में ग्रोथ हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में भी सभी लोग इंडियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि अगर आप वर्ल्ड के लेवल पर देखोगे तो सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट डिप आपको क्लियरली दिख रहा है। नॉट ओनली दिस, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती है तो उस कंट्री के GDP में डिप दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना को देख लो, चाइनीज गवर्नमेंट ने 1980 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था और अपनी कंट्री में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन किए थे, जिसके बाद चाइनीज इकोनॉमी का ग्राफ ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ ही क्वार्टर्स में ग्राफ को राइज होते हुए भी आप क्लियरली देख सकते हो। ऐसे कुछ सिमिलर ट्रेंड्स 2015 में चाइना के मेड इन चाइना पॉलिसी के लॉन्च के दौरान भी देखने मिले थे, तभी भी उसकी GDP ग्रोथ ड्रॉप हुई थी। और ये सारे ट्रेंड्स क्लियरली ये शो करते हैं कि नए रिफॉर्म्स आने पर इकोनॉमी डिप करती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो उसी पेस से ग्रो करने लगती है या उससे भी ज्यादा पेस से, अगर वो रिफॉर्म्स वाकई में स्मार्ट हुए तो। इनफैक्ट आज इंडिया का GDP ग्रोथ भी डिप के बाद रिकवर होते हुए क्लियरली दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको क्या लगता है, क्या इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही रिजल्ट्स दिखाने तक टाइम देना चाहिए या इंडिया को वापस से सोशलिस्ट लीनिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए? और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।